हमने जो कुछ भी किया अपने पति के लिए किया। पतिव्रत धर्म निभा रहे थे हम। ये किस तरह का पतिव्रत धर्म है जो किसी दूसरे के सुहाग को छीन लेता है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है? हमने किसी का सुहाग नहीं छीना। हाँ, चंद्रकांता से उनका प्रेम छीनने की कोशिश जरूर की थी हमने, लेकिन लेकिन क्या तुम ये कहना चाहती हो कि महाराज की हत्या तुमने नहीं की? नहीं, मैं उस जगह पे मौजूद जरूर थी, पर मैंने किसी की हत्या नहीं की है। हमें कहा गया था कि मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी और के आदेश का पालन नहीं करती। सुना तुमने? मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। दाहक हूँ, पावक हूँ, साक्षात अग्नि हूँ मैं, जलाकर भस्म कर दूंगा। मृत्यु का भय नहीं है क्या तुम्हें? मेरी लपटें तुझे मजबूर कर देंगी मेरे आदेश का पालन करने को। हमें उस अग्नि मानव ने तिलिस्मी किताब पे नजर रखने के लिए कहा था, इसलिए हम वहाँ थे। परंतु खंजर तो चंद्रकांता ने ही चलाया था। मैं जब महाराज सुरेंद्र सिंह के कमरे में गई तो देखा वो थोड़े परेशान थे। उनके हाथ में एक तिलिस्मी किताब थी। बेचैन थे, यहाँ वहाँ टहल रहे थे, पर उनकी नजर दरवाजे की तरफ नहीं थी। उनकी नजर बचाकर तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया जिसने बड़े जूते पहन रखे थे। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कुचल देगा, इसलिए मैंने उसे डंक मारा, लेकिन डंक उस पे नहीं कालीन पे लगी। किसी के आने की आहट सुनकर वो दरवाजे के पीछे छिप गया। वो डंक का नीला निशान जमीन पर हमने भी देखा था, पर वो निशान जो पिताजी के गले में था वो वहां कैसे लगा? हम महाराज के पीछे खड़े थे, उनकी पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने चंद्रकांता को तिलिस्मी किताब पढ़ने के लिए कहा, और जैसे चंद्रकांता ने वो तिलिस्मी किताब अपने हाथ में लिया वो चीखने चिल्लाने लगी और अचानक से खंजर से महाराज को मार दिया। चंद्रकांता ने जैसे ही खंजर से वार किया, महाराज जमीन पर जा गिरे। तभी मेरा डंक उनके गले पे लगा, लेकिन मैंने अपना जहर उनके शरीर में जाने नहीं दिया। तभी मैंने देखा कि वो बड़े जूते वाला आदमी वो तिलिस्मी किताब लेके भाग रहा था। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, महाराज की हत्या का इल्जाम चंद्रकांता के सर पे ही जाता है। बोलिए युवराज, अब भी आपको शक है कि चंद्रकांता ने महाराज की हत्या नहीं की है? इस हत्या के चश्मदीद गवाह हैं, और अब तो श्यामला भी इस बात की पुष्टि कर रही है। हमने इसे कब कहा? युवराज हमें नहीं पता ये कैसे हुआ और किसने किया, परंतु हमारा हृदय कहता है कि जिस चंद्रकांता ने अपने प्यार के बलबूते पे युवराज की जान बचाई, हमें सही राह दिखाई, वो ऐसा घिनौना पाप कभी नहीं कर सकती। बस श्यावला, हमारे पक्ष में अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम बेगुनाह हैं तो हमारी बेगुनाही साबित हो के रहेगी। हमने पहले भी कहा था सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, और हम जानते हैं कि सच क्या है। युवराज, आप न्याय के सिंहासन पर बैठे, निष्पक्ष फैसला आपको देना है। आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है। We'll be right back.
होती हम आ जाते। आपने क्यों कष्ट किया? जूर सिंह, हमें महाराज सुरेंद्र सिंह की हत्या का रास पता चल गया है। वल्ला, ये तो कमाल ही हो गया महारानी। रास तो हमें भी पता चल गया। कातिल हमारे गांव में है और हमें पता न चला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुमार सिंह? हिम्मत तो हमारी बहुत है। चलिए इस राज का पर्दाफाश भी कर देते हैं। ये क्या बदतमीजी है क्रूर सिंह? यही तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं महारानी। कि क्या बदतमीजी है? इस कमबख्त से पूछिए कि ये कौन है। हमारी आंखों में तू धूल नहीं झोंक सकती है कमबख्त। सच सच बता कौन है, वरना यही तेरी खाल उखाड़ देंगे। बोल। वल्ला, एक मामूली सी अय्यारा किसकी आज्ञा से हम पर जासूसी कर रही है? यदि ये बात महाराज जयसिंह तक पहुंच गई ना, तो इसकी तो खैर नहीं, लेकिन आप भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। महारानी रत्नगर्भा, और याद रहे, विजयगढ़ की छोटी महारानी पे जासूसी करने का अपराध राजद्रोह है। राजद्रोह? छोटी महारानी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो षड्यंत्र वहां नौगढ़ में रचा हुआ है, उसके तार यहां विजयगढ़ तक जुड़े हुए हैं, और गद्दारी का भी अपराध राजद्रोह कहलाता है। महारानी की जय हो। महारानी, राजकुमारी चंद्रकांता जी नौगढ़ से वापस आ गई हैं। तुम चलो, हम आते हैं। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, महाराज की हत्या का इल्जाम चंद्रकांता के सर पे ही जाता है। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, इतनी मायूस क्यों? नहीं, मायूस कहां, जिस इरादे से गए थे तो पूरा हो गया। मतलब श्यामला, वो बिच्छू कन्या, वो अब वीरेंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और तुम्हारी बेगुनाही, उसका क्या? चंद्रकांता, एक राजा की हैसियत से वीरेंद्र का जो भी न्याय होगा हमें मंजूर है, पर हमारी नजरों में तुम हमेशा गुनहगार ही रहोगी। चलो मान लेते हैं कि किसी बड़ी मायावी शक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया है,
लेकिन वो खंजर तो हमने तुम्हारे हाथों ही देखा था ना। हमारे पति के कातिल का चेहरा तो यही है ना। याद रखना, जब जब तुम्हारा चेहरा हमारे सामने आएगा तो हमें हमारे पति के कातिल का चेहरा ही दिखेगा। तुम्हारे कारण हमने अपने पति को खोया है। अब हमें ये डर है कि कहीं हम अपने बेटे को ना खो दे। नहीं महारानी, हमारा प्रेम माँ और बेटे के प्रेम के बीच कभी नहीं आएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि महाराज सुरेंद्र सिंह के कत्ल का इल्जाम अब भी तुम्हारे सर पर है। आओ मेरे साथ। अब एक आखिरी उम्मीद बची है। अगर उस जूते वाले आदमी का पता चल जाए तो ये रहस्य खुल जाएगा कि आखिर हमारे हाथों से महाराज की हत्या हुई कैसे। और वो अग्नि मानव, इस राज में उसकी भूमिका बहुत अहम है। कौन हो सकता है वो अग्नि मानव? मेरे साथ। प्रणाम स्वीकार करें बड़े भाई। बधाई हो मेरे भाई। वाह, क्या साजिश रची। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। विषधर से भी विषैला हूं मैं। सच कहूं मेरे भाई, ज्वाला अगर तू नहीं होता तो ये काम अकेले करना नामुमकिन होता मेरे लिए। पर तेरे बिना मैं अधूरा हूं क्रूर। वल्ला, हाथ मेरे थे तो दिमाग तेरा, आंखें मेरी तो नजरिया तेरा, और उसी नजरिए से तूने क्रूर सबकी आंखों में धूल झोंक दी। देखना भाई, किसी को खबर तक नहीं हुई कि हमारी साजिश क्या है और होती भी कैसे।
किसी को पता थोड़ी ना कि मेरा जुड़वा भाई मायावी शक्तियों का स्वामी है। स्वामी तो तू है मेरा क्रू, मैं तो तेरा दास। तभी तो तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया। बल और तिलिस्म की किताब चुराई, राजकुमारी चंद्रकांता के सर सुरेंद्र सिंह की मौत का इल्जाम लगाया। हमें महाराज से मिलना, उन्होंने हमें याद किया। ऐसा नहीं है क्रूर, जय आदित्य और तारा ने मेरा अग्नि रूप देखा है और उन दोनों ने इसकी चर्चा भी की है। अग्नि तो भस्म करती है, जलाकर राख कर देती है ज्वाला। उसका कोई चेहरा नहीं होता, तुझे कोई पहचाने का कैसे भाई, कैसे? वल्ला तू बड़ा ही धूर्त चालाक और चतुर है क्रूर, शाबाश। ऐसा मेरे भाई लगता है कोई भीतर आ रहा है। महारानी, इतनी रात गए आप हमारे कक्ष में, किसी दासी को भेज देती, हम हाजिर हो जाते। इस कमरे से हमें किसी की भयंकर ठहाके की आवाज सुनाई दे रही थी। कैसी बात कर रही हैं आप, ठहाके की आवाज और वो भी हमारे कक्ष से? वल्ला जब से राजकुमारी चंद्रकांता जी पर महाराज सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु का आरोप लगा है, हंसना तो दूर, हम तो मुस्कुराना भी भूल चुके हैं महारानी। जरूर आपसे कोई गलत फहमी हुई। गलत फहमियों का मौसम तो आजकल चल ही रहा है। हाँ, शायद हमें ही कोई गलत फहमी हो गई। क्रूर सिंह, महारानी इतनी रात गए आपके कक्ष के सारे दिए और मशाल जल क्यों रहे हैं? आप विश्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्राम तो हमें विष की तरह डस रहा है अंदर, तड़प रहे हैं हम। चारों पहर उनकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है किस कुछ है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे। कुछ ऐसा है महारानी जो हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास है, हमारे करीब है।
समझ नहीं पा रहे हैं महारानी। सबूतों को जब दूर से देखा जाए तो उनका स्वरूप बदल जाता है। क्रूर सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चिराग लेकर तुम सबूत ढूंढने निकले हो, उस चिराग के तले जो अंधेरा है वो अहम सबूत वहीं छुपा? क्रूर, झूठ बोले तो झूठन खाए, इस कन्न इस कन्न मेरे मन को भाए। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि रत्न गर्भा को तुम पर शक हो गया? मेरा काम तो खत्म हो चुका है, इससे पहले कि ये शक यकीन में बदले मुझे अपनी दुनिया लौट चलना चाहिए। विजयगढ़ की तो हवाएं ही शक की हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, किसी को तुम पर शक नहीं होने दूंगा। अभी एक और काम है जिसे तुम्हें अंजाम देना है, बस। वो अपने अंजाम तक पहुंच जाए, फिर चाहे तुम अपनी दुनिया में चले जाना। ठीक है ज्वाला।